ये हैं सबकी ऑल टाइम फेवरेट क्रिस्पी राजस्थानी जलेबियाँ। ये देखिए घणी खम्मा जी, राम राम जी। मैदे को पानी में भिगोकर थोड़ा दही डालकर खमीर उठा लिया, और ये डबल कपड़ा है जिसमें ये मैदे के घोल को डाल दिया। राजस्थानी फूड स्टॉल है ये, विरासत मेला लगा हुआ है देहरादून में, वहाँ पे बहुत ही स्वादिष्ट यहाँ की जलेबियाँ, राजस्थानी केसर जलेबी बन रही है। देखिए गोल गोल घुमा घुमा के, ये डबल कपड़े में बैटर डाला जाता है, और कुछ देर के लिए इसको रखेंगे, इसको फ्राई होने देंगे, तलने देंगे। ये देखिए भाई साहब अगला बैटर भी तैयार कर रहे हैं। ये भारतीयों की सबसे ही लोकप्रिय मिठाई है, ऐसी स्वीट डिश है जिसे हर कोई बहुत ही चाव से खाता है। जलेबियाँ देखते ही सबके मुंह में पानी जरूर आ जाता है। अब इसको हमने चाशनी में डाल दिया, कुछ सेकंड के लिए रखेंगे इसमें चाशनी में। और फिर इसको निकाल के गर्मा गर्म क्रिस्पी क्रिस्पी जलेबियाँ तैयार हमारी। वाह वाह, यम्मी यम्मी, देखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है, खा के देखते हैं। यहाँ पे मूंग दाल की पकौड़ी भी मिल रही है, वो भी बहुत ही अच्छी है, टेस्टी है देखने में। तो आप अगर देहरादून में रहते हैं या फिर आसपास रहते हैं तो एक बार राजस्थानी जो जलेबी है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट होती है।